व्यूअर्स, मैं शेफ शगुफ्ता, वेलकम टू माय चैनल मशहूर टॉय एंड फैमिली रिव्यू। व्यूअर्स, मैंने सोचा आज आपको लौकी की बर्फी की रेसिपी दूं। लौकी की बर्फी किस तरह बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले आधा किलो लौकी ली है और उसको इस तरह देखिए मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसको धोने के बाद आप इस तरह कद्दूकश कर लीजिए और इसे डालेगा किस तरह डालना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल लेके उसको हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने लौकी बीच में डाल दिए और अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। पानी खुश्क होने तक हमने इसको भूनना है। मैंने इसमें से पानी जो है नहीं निकाला क्योंकि उसमें सारे विटामिन निकल जाते हैं अगर पानी निकालती तो सारे मैंने पानी भी रहने दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखें व्यूअर्स, इसको अच्छे से इस तरह भून लेंगे। इसका पानी जो था वो खुश्क हो गया तकरीबन। अब रेगुलर इसको स्पून को आप चलाते रहें ताकि ये लगे ना। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। देखें व्यूअर्स, मैंने तकरीबन आधा कटोरी इसमें मैंने आधा से थोड़ा ज़्यादा था तो तकरीबन आधा कटोरी मैंने इसमें दूध डाल दिया है और इसको हम अच्छे से आप चम्मच चलाते रहेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और ड्राई हो जाए दूध बीच में। इससे दूध से बहुत अच्छा एक क्रीमी से टेक्सचर आएगा। मैं भी भून के फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा आता है कलर इसका। व्यूअर्स, देखें इसमें जो मैंने दूध डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर हम तकरीबन आधी कटोरी इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। ये देखो व्यूअर्स, मैं तकरीबन आधा कटोरी इसमें चीनी मैंने ऐड कर दी। अब इसको डाल के हम फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें जो पानी चीनी डालने से ये पानी छोड़ेगी लौकी, उसको हम खुश्क होने तक अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए लिक्विडी होना शुरू हो गई है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून जो है मैंने ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है, तकरीबन आधा कटोरी ये मैंने डाल दिया है। इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे और साथ ही में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर जो है 2-3 ड्रॉप जो है वो ऐड करने ताकि इसमें कलर प्यारा सा कलर आए। ड्राई मिल्क डालने से बहुत प्यारा इसमें जायका, बहुत अच्छा सा जायका आता है और कलर भी बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से इसको भूनते जाएंगे और इसमें 2-3 ड्रॉप मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी। इस तरह जो मैं भूना है, दूध डाला है और उसको रेगुलर भूना है तो इसमें ना जो लौकी है अच्छी तरह से गल गई है। व्यूअर्स, मैंने ये 2-3 ड्रॉप जो है इसमें ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से इस तरह भून लेंगे। देखिए कलर कितना खूबसूरत आ गया है, प्यारा कलर लग रहा है। इसको अच्छे से अब हम पानी खुश्क होने तक इसको भूनेंगे। इसने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, ये पैन को छोड़ दिया इसने। तो जब ये इस तरह से अब ये चिपक रहा नहीं है देखिए, तो थोड़ा सा बस मैं इसको और भूनूंगी। भूनने के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी ये कैसा लगता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से भून गया। अब मैंने पहले से एक प्लेट में या कोई भी बर्तन ले लें आप, उसमें ग्रीस करके पहले से रखा है, अब मैं इसको उसमें जमा दूँगी। ये व्यूअर्स देखें, मैंने इस तरह से एक कोई भी प्लेट वगैरह आप ले लें तो उसको जिसमें भी आपको जमाना हो उसको मैंने ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद इस तरह से मैंने इसको जमा लिया और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट, बादाम जो आपको पसंद हो, बादाम पिस्ता वगैरह जो आपको पसंद हो उसको काट के उसको अच्छी तरीके से गार्निश से कर लीजिए ड्राई फ्रूट से और इस पर कट के निशान मैंने लगा दिए। और अब इसको मैं ठंडा होने दूँगी और इसको जमने के बाद फिर मैं इसको इनकी टुकड़ियों को मैं बाहर निकाल लूँगी। और अगर आप इसको जल्दी जमाना चाहते हैं तो फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी जम जाएगा, बाहर ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब मैं इसको जमाने दूँगी तो आप इसे घर में बनाइए, खाइए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और एक बात आपको बताना था कि इसको भूनते हुए अगर आप चाहें, जब मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डाला तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा कार्डिमम पाउडर यानी कि जो सब्ज़ी इलायची का पाउडर है थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा तकरीबन 2 पिंच आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे खुशबू अच्छी आती है। लेकिन मैंने नहीं डाला है, आप बिलीव करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत लजीज बना है।
तो आप भी इसको बनाएं, खाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।